सरियाहाट भाग संख्या 2 से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाई और आज स्क्रूटनी था जोवारे नेपाल जी, उनसे बात करते हैं कि क्षेत्र में कितना प्यार और समर्थन मिल पा रहा है, कितना प्यार और समर्थन मिल पा रहा है क्षेत्र में। बहुत अधिक प्यार है क्षेत्र में, इसीलिए हम आज लोग बीच में आए प्यार के बदौलत से। पहले आप पंचायत समिति रहे? जी, नवाड़ी पंचायत का पंचायत समिति थी। तो पंचायत समिति रहते हुए वो कौन सा कार्य किए जिसका लाभ आपको इस जिला परिषद चुनाव में मिलेगा? लाभ तो सभी कार्य किए, जैसे आवास में सहयोगी किए, आवास प्लस में जिसका नाम दर्ज नहीं था उसमें से हम लोग ग्राम सभा में चढ़ाए, कुछ लोग का बुजुर्ग आदमी का पेंशन छुटा हुआ था वो सब किए, उसके बाद आपका जैसे कि जिसको जो उपयोग का लाभ मिलना चाहिए था वो किए। तो ये अभी स्क्रूटनी करके बाहर निकले, यहाँ से पास कर गए, अब क्षेत्र यहाँ से जब निकलिएगा तो क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? और संकल्प लेके जाए, जैसे कि हमारे 9 पंचायत है, 9 पंचायत के अंतर्गत जहाँ जहाँ मैं गई, यानी पहले से भी समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ, तो उस बीच में उस दरमियान में बहुत सारा ऐसा रोड है जो कि ग्रामीणों ने वहाँ वंचित है, और कुछ ऐसा मतलब चीज़ वहाँ पे है जो कि विकास के लिए थोड़ा कमी है, उसी को देखते हुए हम अगर जीत गए तो मैं वादा करती हूँ जनता से कि मैं वो काम को सफल बनाऊंगी। 6-7 कैंडिडेट है, किससे डर लग रहा ज़्यादा कि कौन होगा आपका टफ प्रतिद्वंदी? ऐसा कोई डर नहीं है, जनता जिनको चुने। आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है? मेरा जन समर्थन तो देखिए कौन कौन से वर्गों का मिल रहा है, किस खास वर्ग से हैं या सभी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता जिसको चाहिए वही जीता है, ऐसे कैंडिडेट पर कोई डिपेंड नहीं है, मैं तो एक वोट की मान्यता हूँ ना। तो बाकी किसी से भय नहीं है? जितने नहीं, किसी से भय नहीं है। चलिए, किसी से भय नहीं है, जनता जनार्दन है, वही तय करेंगे कौन इस चुनाव में किसको ताज पहनाने का काम करेंगे। आप लोग लगे रहिए, तब तक जोहार निकसा।